हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही पॉपुलर और सबकी फेवरेट रेसिपी, वो है वेज आलू फ्रेंकी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने उबाल लिया है। मैदा लेंगे ऑल पर्पज फ्लोर, और थोड़ा सा हमने लिया है व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूँ का आटा लिया है। कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं कट करके, आप अपने हिसाब से लीजिए आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो। यहाँ मैंने कैबेज लिया है, पत्ता गोभी, ऑनियन, प्याज, शिमला मिर्ची, कैप्सिकम लिया है, कैरेट लिया है ग्रेटेड करके, गाजर लिया है, थोड़ा सा मैंने लिया है 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ किया है। यहाँ मैंने लिया है टमाटो केचप लिया है 1 टेबल स्पून, 1/3 टेबल स्पून मैंने लिया है जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट लिया है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली सॉस लिया है, ये थोड़ा सा तीखा अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, और 2 स्मॉल टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है अमूल चीज़, और 1 मैंने चीज़ लिया है ब्रिटानिया का, ये दोनों आज हम यूज़ करेंगे। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आज हम वेज आलू फ्रेंकी बनाएँ। फ्रेंकी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डो रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, बाउल में हम ऐड करेंगे मैदा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा, अब ऐड करेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, अब ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह। हमारा डो रेडी हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। और चलिए अब हम फिलिंग तैयार करते हैं फ्रेंकी की। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में लिया है 1 स्मॉल टीस्पून ऑयल लिया है, अब हमें इसमें ऐड करना है अदरक का पेस्ट। अब हमें इसमें ऐड करना है मैश किए हुए आलू, मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला, हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। आलू हमारा रेडी हो गया है फिलिंग करने के लिए, तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब हम फ्रेंकी बनाने के लिए उसकी रोटी बना लेते हैं। आटे को हमें लेना है, एक बार हाथों से अच्छे से मल लेना है। अब इसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। सूखे आटे में थोड़ा सा मैं लगा दूंगी, उसके बाद इसकी रोटी बेल लेंगे। हमने रोटी बना ली है, इसी तरह हम और रोटी बना लेंगे। रोटियों को हमने बेल लिया है, तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है, अब हमें इसमें बेली हुई रोटी को डाल देना है। आप देख सकते हैं एक तरफ से बबल उठने लगा है, नीचे की तरफ से हमारा रोटी पक गया है, तो अब हमें इसे पलट देना है उस तरफ। उस तरफ से भी हमें इसे पका लेना है। इसमें हमें हल्का सा तेल लगा देना है।
हमारी रोटी अब बन गई है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम और रोटी को भी पका लेंगे। रोटी को हमने अच्छे से सेक लिया है, तो चलिए अब वेज फ्रेंकी बनाएं। तो सबसे पहले हमें रोटी को लेना है, उसके ऊपर हमें लगाना है टमाटो केचप। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे रेड चिली सॉस। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कैबेज यानी पत्ता गोभी और डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज और अब हम ऐड करेंगे आलू को। आलू को हम इस तरह से रोल कर लेंगे। और इसे रख देंगे बीच में इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला और नमक का मिक्सचर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। ये हमारा वेज आलू फ्रेंकी रेडी है, बस इसे हम रोल कर देंगे और इसे अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। और इसी तरह हम और भी फ्रेंकी बना लेंगे। वेज आलू फ्रेंकी हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है बनाना और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।